नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। घागड़ी सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच मारपीट, एक घायल, जेल प्रशासन अलर्ट। झारखंड के चार सीटों के लिए सोमवार को मतदान संपन्न, राज्य में कुल 63.72% हुआ मतदान। सरायकला के कपाली में बच्चों को बरगला कर ले जाते बंजारों की टोली को लोगों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा। और जमशेदपुर लोकसभा सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए जेएमएम बीजेपी ने लगाया जोर, स्टार प्रचारक कर रहे प्रचार। खबरें विस्तार से, और खबर में बात करेंगे सबसे पहले घागड़ी जेल में हुए मारपीट की। जमशेदपुर के सुनारी कागल नगर में पिछले वर्ष हुए अभयगिरी हत्याकांड मामले में जेल में बंद गुड्डू गोस्वामी पर आज केंद्रीय कारा घागड़ी जेल में धारदार चीज से हमला किया गया। घटना तब हुई जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुड्डू गोस्वामी की पेशी जेल प्रशासन द्वारा करवाकर उसे वापस उसके वार्ड की ओर ले जाया जा रहा था। उसी दौरान वीसी रूम के समीप सरायकला जिले के राजा सिंह और उसके 5 से 6 साथियों ने उसके साथ हाथापाई की और तेज धारदार चीज से उसके पेट पर वार कर दिया। इस घटना में गुड्डू गोस्वामी के पेट और छाती में चोट आई है, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां से उसे इलाज के बाद वापस जेल भेज दिया गया है। घायल कैदी गुड्डू ने बताया कि इससे पहले भी उसके साथ राजा सिंह से जुड़े लोगों का विवाद हुआ था और उस वक्त भी मारपीट की घटना हुई थी। वहीं आज फिर एक बार राजा सिंह व 5 से 6 अन्य सदस्यों ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। गुड्डू गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि जिस वक्त यह घटना हुई उस समय ड्यूटी में जेल प्रशासन के लोग तैनात थे, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि इस घटना में राजा सिंह को भी हल्की चोट आई है। ओ, सोनारी कागल नगर। क्या हुआ था अंदर? आज मारपीट हुई। अभी हम कोर्ट से किए, रिमांड रूम कोर्ट मेरा गिरा, कोर्ट से किए तो वहाँ भी मेरा बीसी हो गया, एक कोर्ट में ले जाता बीसी हो गया। बीसी से जैसे ही निकल रहा तो 5-6 जन आया, मतलब 10-15 जन था, आया हाथापाई किया, चक्कू को मार दिया। राजा सिंह था, सुमित बनिया था, फिर बाद में करण दत्ता, फिर विशाल लोहार गोर, और क्या नाम, वो लोग किस पार्टी, किस गुट के थे? उन लोग किस गुट के? वो लोग उस गुट के जो हाथापाई किया, उस गिरी की तरफ से था? नहीं नहीं नहीं, ये राजा सिंह का तरफ, सरायकला का। उसमें क्या दुश्मनी? आप क्या पता क्या दुश्मनी है? कहाँ पर हुआ मारपीट? जेल में, नगड़ी जेल में, स्टडी के सामने, सिपाही के सामने हुआ है। जमादार A4 में जमादार था, सब था। इधर खूंटी संसदीय क्षेत्र के खरसवा विधानसभा क्षेत्र में आज सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हुआ। वैसे सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया, लोग सुबह से ही कतारबद्ध होकर अपनी बारी के इंतजार में लगे रहे। वहीं इसी संसदीय क्षेत्र के बूथ संख्या 172 में एनडीए प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पत्नी मीरा मुंडा के साथ मतदान करने पहुंचे। हालांकि इस बूथ पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आने के कारण लगभग 1 घंटा देर से मतदान शुरू हुआ। वैसे पूरी खरसावां विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लगभग 6 बूथों पर ईवीएम मशीन में तकनीकी गड़बड़ी आने के कारण देर से मतदान शुरू हुआ। कुल मिलाकर सुबह के वक्त खरसावां विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हुआ। वहीं प्रचंड गर्मी के बीच मतदान करने पहुंचे लोग ईवीएम में खराबी आने के कारण थोड़े नाराज जरूर नजर आए, जबकि गर्मी में बूथ संख्या 172 में एक मतदाता बेहोश भी हो गए, जिन्हें मतदान करने पहुंचे अर्जुन मुंडा ने तत्काल अस्पताल भिजवाया। वैसे इसी बूथ पर 90 वर्षीय बुजुर्ग ने भी मतदान किया है। वहीं मतदान के बाद एनडीए प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम किसी के ऊपर अधिकार अपने अधिकार अपने लोग हम अपने अधिकार। खूंटी संसदीय क्षेत्र की जनता पूर्ण समर्थन के साथ मुझे अवसर देगी। आज के मतदान के जो ट्रेंड है उससे मुझे ऐसा लग रहा है, सभी जगहों से सूचना मिल रही है कि भारी कतार है और लोग मतदान कर रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन रहेगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि स्थिर और शांतिपूर्ण विकास हो, समस्त क्षेत्रों में विकास हो, सभी लोगों को अवसर मिले।
उधर जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले में कपाली चांदनी चौक में आज बच्ची चोरी करने के आरोप में 5 बंजारों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कपाली के चांदनी चौक में बंजारन का एक समूह कुछ कपड़े लेकर बेचने के लिए पहुंचा था। इसी बीच क्षेत्र की एक 3 वर्षीय बच्ची अचानक ही गायब हो गई। जब परिजनों ने खोजबीन की तो यह सभी बंजारन मिलकर बच्ची को अपने साथ ले जाते दिखाई दी। आसपास के लोगों को आवाज देकर जब बच्ची के परिजनों ने इकट्ठा किया तो सभी ने मिलकर बंजारन के समूह को कपाली से जमशेदपुर को जोड़ने वाली पुलिया के पास पकड़ा और पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बंजारन के समूह में 2 नाबालिग किशोरी के साथ कुल 5 लोग शामिल हैं, जो बच्ची को अपने साथ लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। इधर सूचना पाकर कपाली टीओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने चली गई। बता दें कि पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह लोग कहां के रहने वाले हैं और बच्ची को ले जाने के पीछे इनका क्या मकसद था। मामला यही हुआ कि इन लोग आती है बेचने के लिए, जोर से यहाँ बेचने के लिए आती है तो इन लोग बेच रही थी और 2 बच्चा इसको छोटा बच्चा को पकड़ के पुल के पास लेके जा रहा था। तो उसका लड़की का बाप है, उसका छोटा वाला भाई उसको पुल के पास से पकड़ा, इसको हाथ टांगते हुए लेके जा रहे थे। कौन लोग? ये लोग जा रहे थे जो बेचने आती है बंजारन लोग। बंजारन लोग हाँ, कितने लोग हैं? इन लोग 5 लोग हैं, हाथ लेके जा रहे हैं गली के पास, गली के पास से पुल के पास घर के ऐसे घसीट के हाथ लेके जा रहे थे। 3 साल। 3 साल कौन सी जगह है ये? चांदनी चौक लाल बाग। ये छोटा वाला भाई पकड़ा, हम लोग तो उधर थे अलकबीर में थे। अच्छा, फिर कितने लोग हैं क्या बता रहे हैं बस्तीवासी? बस्तीवासी बता रहे हैं कि चादर कपड़ा बेचता है। कितने लोग हैं? 5 आदमी। तो क्या अभी आप लोग ले जा रहे हैं? नेहरू का शेरू का बच्चा हाथ पकड़ के ले जा रहा है, चादर उधर बेचने वाला बाहर से आया। सबको ले जा रहे हैं आप लोग थाना? वही जमशेदपुर लोकसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार विद्युत वरण महतो के जीत को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आगामी 8 मई को जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसकी तैयारियां जिला भाजपा के द्वारा जोर शोर से की जा रही है। बता दें कि विगत 3 मई को जमशेदपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सह भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की सभा होने वाली थी, लेकिन फैनी तूफान के कारण उसे रद्द कर दिया गया था। अब जमशेदपुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार सह निवर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो ने जीत को सुनिश्चित करने के लिए खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। आगामी 8 मई को जमशेदपुर के एग्रिको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बाबत पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की पूरी तैयारियां चल रही हैं, साथ ही यह जनसभा ऐतिहासिक होगी। हजारों की संख्या में यहां कार्यकर्ता तथा आम जनता पहुंचेगी, जिसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं जिला प्रशासन उपलब्ध करा रही हैं। लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी अपने पार्टी के प्रत्याशी श्री विद्युत वरण महतो जी के समर्थन में प्रचार करने के लिए 8 तारीख को जमशेदपुर की पावन जमशेदपुर सीट पर पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो, इसको लेकर कार्यकर्ता सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। व्यापक पैमाने पर एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान पर भी आप देख सकते हैं कि व्यापक पैमाने पर तैयारी चल रही है। मंच की व्यवस्था से लेकर बैरिकेडिंग, सामने कार्यकर्ता और आम जनता की बैठने की व्यवस्थाएं, पानी की सुविधाएं, ऐसे तमाम चीजों का ध्यान कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग रख रहे हैं। साथ ही झारखंड में 4 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। झारखंड में रांची, खूंटी, कोडरमा, हजारीबाग सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान पूरे झारखंड में करीब 63.72% मतदान हुआ। वहीं कोडरमा में 65.70%, रांची 62.30%, खूंटी 64.10%, हजारीबाग लोकसभा सीट पर 62.91% मतदान का औसत रहा। 5वें चरण का मतदान कुल 51 सीट पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया गया, जहां रांची लोकसभा सीट को लेकर कपाली क्षेत्र में मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां अहले सुबह मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे थे। वहीं लोगों की लंबी कतार अपने जनप्रतिनिधि का चयन करने के लिए नजर आ रही थी। बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए घरेलू महिलाएं अपने मत का इस्तेमाल कर रही थी। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था, जहां मतदाताओं की जांच पड़ताल कर उन्हें प्रवेश करने दिया जा रहा था।
पूरे कपाली क्षेत्र को बीएसएफ ने अपने निगरानी में रखा था। वहीं रांची लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, न्यू वर्तमान सांसद राम टहल चौधरी एवं भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है, जहां जनता ने आने वाले 5 वर्षों के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चयन कर लिया है। वहीं 23 मई को मतगणना के बाद विजेता उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। हेलो, हाँ। और जमशेदपुर में महागठबंधन प्रत्याशी चंपई सोरेन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां घटक दल के सभी नेताओं ने चंपई सोरेन के पक्ष में वोट करने की अपील जनता के दरबार में जाके की। मानगो स्थित गांधी मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन घटक दल के नेताओं के द्वारा आयोजित किया गया था, जहाँ पार्टी प्रत्याशी चंपई सोरेन, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता सहित घटक दल के सभी नेता मंच से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे। वहीं तेज आंधी और बारिश के बावजूद लोगों की भारी भीड़ नेताओं को सुनने के लिए मौजूद थी, जहां मंच से पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता एवं महागठबंधन प्रत्याशी चंपई सोरेन ने वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वक्ताओं ने कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है, जहां आजादी के 70 साल बाद पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने 4 न्यायाधीश ने यह साबित कर दिया था। वहीं सच बोलने वालों को झूठे मामले में फंसाने का प्रयास वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार की दमनकारी नीति को दर्शा रहा है, जहां झूठे वादे के सहारे सत्ता पर काबिज होने वाले प्रधानमंत्री अपने चुनावी एजेंडे से भटककर पड़ोसी देश का गुणगान कर देश की जनता को एक बार फिर से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छे दिन का वादा करने वाले प्रधानमंत्री से आज देश की जनता 15 लाख का हिसाब मांग रही है। वही मोमेंटम झारखंड के नाम पर राज्य सरकार ने राज्य की जनता को धोखा दिया है, जहां आज युवा रोजगार की तलाश में राज्य से पलायन कर रहे हैं, जो इनकी जन विरोधी नीति को दर्शा रहा है। ऐसे में जनता अब अपने मत के माध्यम से झूठी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। गांधी मैदान में महागठबंधन बारिश में जो एकजुटता दिखाते हुए वाकई इस गांधी मैदान में इतिहास रचने का काम किया है, महागठबंधन आपका आभार। जब उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने इस्तकबाल किया। जब उन्होंने कहा कि सबको देखा, अबरी बार मोदी सरकार बहुत हुई गरीबी, अबरी बार मोदी सरकार बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अबरी बार मोदी सरकार किया कि हो सकता कि इस देश में एक ऐसा रहबर आ गया कि जो एक क्रांति कर रहा है और लोगों ने एतबार किया। इधर जमशेदपुर के मानगो मेन रोड में स्थित किंग सप्लाई व टाइल्स मार्बल की नई दुकान का शुभारंभ रविवार को सिटी न्यूज के निदेशक सह समाज सेवी हलीम अहमद और हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोमिन खान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान आसपास के क्षेत्र में कई प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। इस दुकान के प्लाई एवं टाइल्स मार्बल की हर रेंज लोगों को किफायती कीमतों पर उपलब्ध होगी। दुकान के प्रोप्राइटर मिर्जा इजराहुल ने बताया कि दुकान को खोलने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर डिजाइन व कम कीमत पर सामान उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर नए डिजाइन्स उपलब्ध होंगे। इधर हलीम अहमद और मोमिन खान ने भी दुकान की शुरुआत पर शुभकामनाएं दी। किंग प्लाई टाइल्स मार्बल दुकान है, आज मानगो मेला उद्घाटन हुआ है, ठीक है ना। ये दुकान को ओपनिंग हलीम अहमद ने किया है, जो समाज सेवा है शहर के और हमारे बहुत ही लोगों में जागरूक के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। टाइल्स है, मार्बल है, ऑल वैरायटी है, डोर है, सैनिटरी आइटम है, ऑल फिटिंग, एक पूरा बिल्डिंग मटेरियल आइटम रखे हैं। लोगों की ज़रूरतों के सामान बहुत दूर जाके लेना पड़ता था, इसी वजह से सामने में उनको हर चीज़ कम वाजिब दामों में यहाँ पर मुहैया कराई जाए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की
चार दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्री एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले, एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतरराष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटरबाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहां ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। पूरनमल अग्रवाल जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हाँ, हर अवसर, शादी ब्याह पार्टी, हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियाँ। वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, कांजीवरम, सुपर नेट, कॉटन, जयपुरी, तांत, ब्याह सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा चुन्नी की विशाल रेंज। और साथ ही पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग शर्टिंग। पूरनमल अग्रवाल, जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरनमल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728 साक्षी बाजार जमशेदपुर, फोन 2435138 और 9431329002। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में पश्चिम उड़ीसा युवा समिति एवं महिला समिति के द्वारा 3 दिवसीय अखंड हरिनाम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जहां महिलाएं 2 मुहाने तट से जल लेकर यज्ञ स्थल तक पहुंची। ओल्ड टीसी कॉलोनी कदमा में पश्चिम उड़ीसा युवा समिति एवं महिला समिति के द्वारा अखंड हरिनाम महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जहां महिलाएं सर पर कलश लेकर 2 मुहानी नदी से जल लेकर यज्ञ स्थल तक पहुंची।
वहीं इस संबंध में संस्था के अध्यक्ष सूरज हरिपाल ने कहा कि विश्व एवं देश में शांति को लेकर अखंड हरिनाम महायज्ञ किया जा रहा है, जहां 3 दिनों तक महायज्ञ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भोग का वितरण किया जाएगा। वहीं महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा के साथ की गई, जिसमें क्षेत्र के लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। पश्चिम उड़ीसा युवा समिति एवं महिला समिति के द्वारा अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। आज दिनांक 6 से लेकर 8 तारीख तक इस आयोजन का कार्यक्रम चलेगा। आज कलश यात्रा के पहला दिन है और 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रत्येक दिन यहां भोग एवं अर्णभोग का प्रबंधन है। श्रद्धालुओं के लिए उत्तम प्रबंधन किया गया है। महाप्रसाद का वितरण 3 दिन तक किया जाता है। ये ओल्ड टीसी कॉलोनी गोल मैदान मंदिर पर प्रांगण से चलकर 2 महीने के नदी तट तक चलेगी। उधर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से अपनी जीत को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में जमशेदपुर के धतकड़ी में महागठबंधन के प्रखंड स्तर के नेताओं की एक बैठक आयोजित हुई। कांग्रेस के बिष्टुपुर प्रखंड अध्यक्ष ताहिर खान की अध्यक्षता में 32 बूथ कमेटी का सम्मेलन धतकड़ी में संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद, पार्टी नेता फिरोज खान एवं अन्य उपस्थित रहे। यहां बूथ लेवल पर महागठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं सभी को निर्देश दिया गया कि महागठबंधन से झामुमो प्रत्याशी चंपई सोरेन को जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। दूसरी तरफ फिरोज खान ने दावा किया है कि चंपई सोरेन की जीत निश्चित है। आज बिष्टुपुर प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के तारिक खान जी के नेतृत्व में 32 बूथ कमेटी का सम्मेलन किया गया था, जिसमें सर्वसम्मति सभी लोगों ने कहा कि डॉक्टर अजय कुमार जी के निर्देश अनुसार हर हाल में महागठबंधन के प्रत्याशी चंपाई सोरेन जी को जमशेदपुर से एमपी बना करके दिल्ली भेजना है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये राज्य का चुनाव या मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है और प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। अगर मोदी को हटाना है तो ज्यादा से ज्यादा वोट डालना होगा, तब जाकर देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। आपने देखा होगा 2014 से लेकर आज तक देश का हर आदमी परेशान है। उधर जमशेदपुर में बुद्ध सोसाइटी द्वारा चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न स्कूलों के 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपनी कल्पना को रंगों के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। साक्षी स्थित बुद्ध सोसाइटी मंदिर प्रांगण में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहाँ पर्यावरण संरक्षण विषय को लेकर छात्र छात्राओं ने अपनी कला को रंगों के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए आयोजक समिति के सदस्य प्रदीप बिरवा ने कहा कि यहां प्रतियोगिता 4 भागों के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जहां बुद्ध पूर्णिमा से पहले प्रतियोगिता का आयोजन कर विजेताओं को बुद्ध पूर्णिमा के दिन पुरस्कृत किया जाएगा, जहां विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं अपनी कल्पना को एक ऊंची उड़ान देने का प्रयास रंगों के माध्यम से कर रहे हैं। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, बेसिकली बच्चे लोग का, स्कूल का बच्चे लोग को ड्राइंग सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन बोल सकते हैं, सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन है। ये विशेष करके बुद्ध पूर्णिमा जो 18 मई 2019 को जो होने जा रही है, तो उसका शुभ उपलक्ष्य हम लोग एक कार्यक्रम बुद्ध सोसाइटी में किए, जो बच्चे लोग को सारे जमशेदपुर के बच्चे को प्रतिभा को जानने के लिए हमने उन्हें एक सीट एंड ड्रॉ कम्पिटिशन का आयोजन किया और उनको अलग अलग ग्रुप में ABCD 4 ग्रुप में बांट करके उनको हम लोग ड्राइंग कम्पिटिशन करवाए, और करवाने के बाद जिसका जो प्राइजेस वगैरह होगा 18 मई बुद्ध पूर्णिमा का दिन शाम को 4 बजे के बाद दिया जाएगा प्राइजेस जो भी बेस्ट होंगे। साथ ही पूर्वी सिंहभूम लोकसभा सीट पर 19 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशी सरिता आनंद गांव का विकास मुद्दे को लेकर जनता के दरबार में जा रही है, जहां इन्हें लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। जमशेदपुर में 12 मई को 6ठे चरण के तहत मतदान कराया जाएगा। उससे पहले सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के दरबार में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सरिता आनंद जनसंपर्क अभियान ग्रामीण क्षेत्र में चलाकर ग्रामीण महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, साथ ही संवाददाता सम्मेलन कर अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं, जहां संवाददाता सम्मेलन में सरिता आनंद एवं उनके पति डॉक्टर ओपी आनंद मौजूद थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ओपी आनंद ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, जहां किसान मेहनत मजदूरी करने पर विवश हैं। वहीं शिक्षा के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र में युवा नशे का सेवन कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं।
अब ग्रामीण महिलाएं जागरूक होकर अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रही हैं। सालों बाद सब्जी की ही खेती हो तो जैसा मुझे सब लोगों ने कैलकुलेशन बताया कि 3 से 4 और वो ज़्यादा अपने परिवार के बारे में चिंता करती है। और कोल्हान के बहुसंख्यक गाँव में शराबखोरी एक बहुत बड़ी विकराल समस्या है और यहाँ के पुरुषों में मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी का भाव भी नहीं रखता है। उससे उलट महिलाओं में जिम्मेवारी का भाव आ रहा है और पिछले कुछ वर्षों में सरकार के और समाज के काम के कारण ऐसी महिलाएं आगे भी आ रही हैं। महिलाओं को यदि सशक्त कर दिया जाए, उन्हें थोड़ा सशक्त भी नहीं, उन्हें थोड़ा एक्सपोज दे दिया जाए, एक्सपोजर दिया जाए थोड़ा बढ़िया, और जो आधुनिक समाज है उसके साथ थोड़ा सा जोड़ दिया जाए, आश्चर्यजनक परिवर्तन आएंगे। वहीं सरायकेला खरसवा जिला में खूंटी और रांची संसदीय क्षेत्र के खरसवा और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जमकर मतदान हुआ। लोग सुबह से ही घरों से निकलकर कतार में लग गए और जोरदार मतदान किया है। वहीं सबसे अधिक मतदान घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में देखा गया, जहां खरसावा विधानसभा क्षेत्र के कुचाई और दलभंगा में मतदाताओं ने लोकतंत्र पर आस्था जताया और जमकर मतदान किया। वैसे जिला प्रशासन की ओर से इस बार वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर किए गए प्रयासों की मतदाताओं ने जमकर सराहना की है। वहीं जिले के उपायुक्त ने मतदान में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं के प्रति आभार भी प्रकट किया। वैसे दिन के 3 बजे तक ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगभग 62% जबकि खरसावा में लगभग 60% मतदान हुआ। जैसे कि बच्चे वाली माँ के लिए, उसके लिए बच्चों के या खिलौने सब सुविधा है, पानी का सुविधा सब तरह का सुविधा है, विकलांगों के लिए टेबल चेयर सब सुविधा है। ये आराम से मतदाता मत का प्रयोग कर रहे हैं। आज ईचागढ़ और खरसावा विधानसभा क्षेत्र जो क्रमशः रांची एवं खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर अभी तक फेयर हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने मतदान किया है। इसके लिए मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ और स्वीप कार्यक्रम का भी लोगों लाभ मिला है, जिस कारण से वोटिंग परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और इंटीरियर्स में भी वोटिंग परसेंटेज अच्छे रहे, महिलाएँ बढ़ चढ़ कर वोट की हैं। सभी मतदाताओं को मेरा धन्यवाद और लोकतंत्र के इस महापर्व में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जमशेदपुर के पोटका हल्दी पोखर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला मरीजों को बेड में बिछाने के लिए चादर तक उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे मरीज व उनके परिजन काफी परेशान हैं। सभी अपने अपने घरों से चादर लेकर अस्पताल के बेड में बिछाने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, भीषण गर्मी होने के कारण इस अस्पताल में पंखे भी खराब हो चुके हैं, जिससे मरीजों को इस भीषण गर्मी में काफी कष्ट झेलना पड़ रहा है। यहाँ पहुंची महिला मरीजों ने अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था के लिए अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार बताया है। क्या हम लोग को यह दिक्कत है कि चादर नहीं मिल रहा है, तकिया भी नहीं मिल रहा है, हम लोग घर से अलग खाता से मिल रहा है। कितना दिन से भर्ती हो आप लोग? हम लोग कल शाम 8 बजे से। अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप लोग शिकायत नहीं किए? हम लोग शिकायत नहीं, घर से चादर सब लाते हैं, नहीं मिलता है यहाँ पर। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं मिलता है। एक और मिला है, और वही जमशेदपुर के टेलको थानेदार को थाने से बाहर निकालने का प्रयास करने में सीजीपीसी प्रधान गुरमुख सिंह मुक्के सहित 13 नामजद लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में सीजीपीसी प्रधान गुरमुख सिंह मुक्के ने एक प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। गुरमुख सिंह मुख्य ने सीजीपीसी के साक्ष्य स्थित कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि टेलको थानेदार ने सीजीपीसी के पदाधिकारियों पर एक तरफा प्राथमिकी की है। उन्होंने कहा कि अपनी बात रखने पर अगर सरकारी कार्य में बाधा का केस होता है तो यह ठीक नहीं है। संघर्ष करके मरना पसंद करेंगे कि अगर अपने हक के लिए थाने पर जाकर बात रखना गुनाह है और उस पर सरकारी कार्य में बाधा है, ये पंचायती कराना कोई सरकारी काम नहीं है कि आप अपने चैम्बर पर बैठे हुए हैं और दो पक्षों की मारपीट हुई है, गंभीर रूप से घायल है और उसको आप पंचायती करवा रहे हैं, आपको पहले इलाज के लिए भेजना है और इस बात को बोलते हैं कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा दिए। कौन सा सरकारी काम आप कर रहे थे रात को?
अब क्या करेगा आपको ये बताइए। मेरा एक सीधी सीधी बात है, मैं अपने आपके माध्यम से बात को रखना चाहता हूँ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। घाघरी सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच मारपीट, एक घायल, जेल प्रशासन अलर्ट। झारखंड के 4 सीटों के लिए सोमवार को मतदान संपन्न, राज्य में कुल 63.72% हुआ मतदान। सरायकेला के कपाली में बच्चों को बरगला कर ले जाते बंजारों की टोली को लोगों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा। और जमशेदपुर लोकसभा सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए जेएमएम बीजेपी ने लगाया जोर, स्टार प्रचारक कर रहे प्रचार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।